और आइए बढ़ते हैं आगे। मुंबई में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो चुकी है, इसी के साथ पानी भरने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अगले 24 घंटे तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो एक बार फिर मुंबई में शुरू हो चुकी है बारिश, पानी भरने का सिलसिला भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं शुरू हो चुका है, और जाहिर तौर पर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और कहा यह भी जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि अगले 24 घंटे भी बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है। मुंबई में एक बार फिर तेज बारिश की शुरुआत हो चुकी है। और इस वक्त सीधे मुंबई रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सैयद सुहेल और आशीष सिंह जुड़ गए हैं। सैयद, सबसे पहले आपके पास अभी क्या कुछ मौसम के हालात वहां बने हुए हैं? देखिए, मौसम के हालात, आज सुबह से ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी और अभी पिछले एक घंटे में काफी तेज बारिश हुई। मैं इस वक्त मलाड में हूँ, बिल्कुल उसी स्पॉट पर हूँ जहां पर वो दीवार गिरी थी। आप देख सकते हैं कि पूरा मलबा उस दीवार का है अभी भी, और लोग अभी भी अपने घरों में तलाश रहे हैं जो कुछ जमीन में दबा हुआ है, डेब्रीज में। और ये तेज बारिश शुरू होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इस रेस्क्यू स्पॉट पे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि डेब्रीज में अभी भी लोग जमा है, अभी भी लोग दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश जारी थी, लेकिन अब बारिश की वजह से वो काम रोक दिया गया है। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो काफी दूर आपको दिखाई देगा कि दीवार को, जो बाकी दीवार बची हुई है और झुक रही है, उसे गिराने की कोशिश जारी है। मशीन लगी हुई है उस दीवार को गिराने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से सारा काम बहुत हैम्पर हो रहा है और लोगों में डर और खौफ बढ़ रहा है कि अगर बारिश इसी तरह से होती रही तो ये जो दीवार है, जो मौत की दीवार बन चुकी है मलाड में, वो कहीं दोबारा उसके हिस्से गिर ना जाए। तो बारिश जो है एक मुसीबत बनकर मुंबई में आई है, और 24 घंटे, जैसा आपने बताया कि 24 घंटे अगले बहुत क्रूशल हैं, बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है। तो ऐसे हालात में अगर बारिश इसी तरह चलती रही तो वाकई जो जीवन है वो बड़ा मुश्किल होगा, खासतौर से इस इलाके में जहां पर हम मौजूद हैं, मलाड के इस एरिया में। जी बिल्कुल सुहेल, आप हमारे साथ बने रहिए, आशीष सिंह भी हमारे साथ हैं। आशीष, आप जहां मौजूद है वहां बारिश शुरू हो चुकी है, जाहिर तौर पर वहां इस वक्त क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? गायत्री, ये हिंद माता का इलाका है, हिंद माता का ये वो इलाका है जो बरसात में सबसे पहले भरता है, लेकिन फिलहाल जो है बारिश रिमझिम तौर पे हो रही है। मुसीबतें हालांकि शुरू हो चुकी हैं, लंबा ट्रैफिक जाम आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं जगह जगह पर स्पॉट पे छोटे छोटे जो पानी का जल जमाव हुआ है उसकी वजह से हो रहा है। और अगले 24 घंटे, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, रिमझिम बरसात हो रही है सुबह से, जिसकी वजह से जल जमाव की पूरी जो है एक स्थिति नहीं तैयार हुई है, लेकिन अगले 24 घंटे कहीं ना कहीं वो मुसीबतों भरे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेताया हुआ है कि ये अगले 24 घंटे तेज बरसात हो सकती है। यानी कि शाम का वक्त जब लोग मुंबई के अपने घरों की तरफ लौटेंगे उस वक्त जो है दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल जो है रिमझिम बारिश जारी है, लेकिन तेज बरसात की संभावनाएं पूरी हैं। यानी समस्या जो है वो शुरू हो गई है खड़ी होनी लोगों के लिए, जिस तरीके से पीछे आपके लंबा जाम लगना शुरू भी हो चुका है। सैयद सुहेल, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि बारिश शुरू हो चुकी है, हालांकि जो वहां पर पहले से मलबा पड़ा हुआ है दीवार गिरने के चलते, वहां अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं, तो क्या फिलहाल जो रेस्क्यू का काम किया जा रहा था उसको फिलहाल रोक दिया गया है? देखिए, रेस्क्यू का काम बहुत ढीले ढंग से हो रहा है बारिश की वजह से। प्रॉब्लम यह है कि लोगों का, जो लोग दबे हैं उसके बारे में तो खैर लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन सामान दबा हुआ है, पूरी जिंदगी दब गई है। घर के अंदर उनके कागजात थे, उनके पैसे थे, उनके जेवरात थे, और लोग यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन इन हालात में आपकी जान को खतरा है अगर आप कुछ भी कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ को यहाँ से खिसकाने की, किसी भी चीज़ को, मिट्टी को खोदने की आप ज़रा भी कोशिश करते हैं तो जान को खतरा है। इसीलिए पुलिस जो है लोगों को यहाँ पर रहने नहीं दे रही है, वो कह रही है कि आप यहाँ से हटिए स्पॉट से। इनफैक्ट हमको भी दो बार कहा जा चुका है, कुछ पुलिस खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस भी कर रहे हैं वो, और वो भी हमको भी कहा जा चुका है कि आप यहाँ से हटिए, बिकॉज ये एक बहुत डेंजरस स्पॉट हो चुका है। आप ये देखिए, रोड जिस पर मैं खड़ा हूँ वो किस कदर टूट चुका है, ये रोड भी पूरा नीचे ढह गया है और कभी भी ये पूरा केविन कर सकता है। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ख़ासतौर से यहाँ पर जहाँ पर इतनी मौतें हो चुकी हैं, इतने लोगों के घर बह चुके हैं, और ये दीवार जो है, ये दीवार अभी भी इतना बड़ा खतरा बनी हुई है कि अब बीएमसी ने ऑपरेशन शुरू किया है बाकी दीवार को गिराने का। आप देखिए, पूरी मशीन लगी हुई है जो दीवार को गिरा रही है, जेसीबी की।
तो दीवार गिराने का पूरा ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन बारिश की वजह से जाहिर है चीजें हैम्पर हो रही हैं, चीजें रुक रही हैं, और ऐसे हालात में अगर ये बारिश और ज्यादा हुई तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल सैयद सुहेल, दिक्कत और बढ़ जाएगी अगर बारिश का सिलसिला बना रह सकता है, क्योंकि 24 घंटे का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आशीष सिंह हिंदमाता से हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आशीष, 24 घंटे का अलर्ट यानी बारिश अभी और होगी, जाम लगना शुरू हो चुका है। पिछले 4-5 दिनों में जो बारिश का सिलसिला हमने देखा और जो सड़कों को तालाब में तब्दील होते हुए देखा, अब इस अलर्ट के बाद लग रहा है कि बीएमसी की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हैं वहां पर, ताकि पानी अगर भरे तो उसकी निकासी फौरन होती रहे। गायत्री, इस वक्त बरसात हल्की है, इस वजह से मैं लाइव दे पा रहा हूँ, लेकिन 24 घंटे जो कहा गया है वो इसी तरह की आफत की बरसात होगी। पानी का जल जमाव शुरुआत इस तरह से होती है, जहाँ पे छोटे छोटे जो गड्ढे पड़े हैं उन गड्ढों में पानी इकट्ठा होता चला जाता है। यही गड्ढे फिर यहाँ से, क्योंकि इनका ड्रेनेज नहीं हो पाता, और फिर यहीं से जो है जल जमाव की स्थिति शुरू होती है और हिंद माता पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। फिलहाल जो है बीएमसी की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी दावे हैं कि जो है वो बरसात से निपटने के लिए जगह जगह पे पंप्स लगाए गए हैं, हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं, ताकि जो है किसी नागरिकों को परेशानी ना हो। लेकिन रेलवे ट्रैक, जब ये 24 घंटे की बरसात होगी, वो पोल पिछले 2 दिनों में खुल ही चुकी है कि किस तरह से जो है बजट में मीठी नदी से लेकर का ओवरफ्लो हुआ, वो सारी चीज़ें पहले से ही बजट के दौरान खुल के समक्ष आ ही चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात उभर कर सामने आ जाती है कि हिंद माता में अब बरसात हुई तो भले ही दावे किए जाए, लेकिन मुसीबतें मुंबईकरों की बननी है, चाहे रेलवे ट्रैक हो, चाहे सड़कें हों, चाहे जो है गलियां हों। बिल्कुल, मुंबई के अलग अलग इलाकों में समस्या जाहिर तौर पर बरसात के वक्त खड़ी होती हुई दिखाई दी। एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त जुड़ गए हैं शिवरी कोट के बाहर से, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है, वहां पर क्या हालात है। अभिषेक, क्या तस्वीर वहां पर दिखाई दे रही है बारिश के चलते? देखिए, कोर्ट के बाहर मैं खड़ा हूं, अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी गए हैं, लेकिन यहां भारी बारिश हुई है। फिलहाल थोड़ा सा रिमझिम का माहौल है, लेकिन ट्रैफिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पिछले आधे घंटे से बारिश जो तेज चल रही थी उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है। और अमूमन होता यह है कि जब भी बारिश खत्म होती है, लगातार बीएमसी ये कहती है कि बहुत तेज बारिश थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुंबई में हालात बद से बदतर हो गए। लेकिन जिस तरीके का हालात महज आधे घंटे के भीतर आप ट्रैफिक से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन है पूरे मुंबई भर की। ये शिवड़ी का इलाका है, साउथ मुंबई कहा जाता है इसे, लेकिन यहाँ पर ये मैक्सिमम इलाके यहाँ पर लो लाइंग है, जहाँ पर पानी भरता है। और अगर आधे घंटे इस तरीके से और बारिश हुई तो निश्चित ही जो निचले इलाके हैं उसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा और फिर मुंबईकरों के लिए दिक्कत शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी 2 दिन से जिस तरीके से मुंबईकरों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, आज सुबह हल्की हल्की धूप निकली थी, उम्मीद की जा रही थी कि अब मौसम साफ होगा, लेकिन जिस तरीके की बारिश पिछले आधे घंटे से हो रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके से हैं। खासकर बिल्कुल हालात किस तरीके से हैं, खासकर इनका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। जहां जाम की समस्या शुरू हो चुकी है, तो वहीं मलाड में सोहेल जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे थे कि दीवार गिरने का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है और वहां पर फिलहाल जो काम चल रहा था वो रोक दिया गया है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोहेल आपका, आशीष आपका।